हरिओम, मैं शालमली वीरा जयवंत, मस्कत उपासना केंद्र। एक्चुअली मैं बोरिवली की रहने वाली हूँ। बोरिवली ईस्ट की उपासना केंद्र में मैं पहले जाती थी। अभी मेरे मिस्टर को जो है 2014 में अगस्त में जॉब मिला मस्कत में। इसके लिए हम लोग 2015 श्रीश्वासम होने के बाद मैं और मेरी लड़की वहाँ पे मस्कत शिफ्ट हुए। 2000 साल से मैं बापू के पास आती हूँ। बापू के छत्र छाया में बापू ने मेरे को 2000 साल से लिया। बापू के पास आने के बाद बापू ने बहुत सारे अनुभव दिए, छोटे बड़े बहुत सारे अनुभव हमेशा बापू देते रहते हैं हम सब श्रद्धावानों को। अभी रिसेंटली मेरे को दिसंबर 2015 में आया हुआ अनुभव मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक्चुअली हम लोग मस्कत गए, जब भी श्रीश्वासम होने के बाद 12 मई 2015 को हम लोग मस्कत गए। उसके बाद हम लोग ने वापस इधर मुंबई आने का सोचा था कि मेरी लड़की का जो है 27 दिसंबर को बर्थडे रहता है, तो वो बर्थडे हम लोग उसका इधर मनाएंगे, मुंबई में मनाएंगे। इसके लिए हम लोग ने सोचा कि हम लोग वापस मुंबई जाए जरा 10 दिनों के लिए। तो हम लोग मुंबई जाने के लिए 24 दिसंबर की टिकट प्लेन की टिकट्स बुक किए। हम लोग 24 दिसंबर 2015 को मस्कत से मुंबई आए। 27 दिसंबर को मेरी लड़की का बर्थडे हुआ। बर्थडे होने के बाद हम लोग 28 तारीख को शेगांव में जो गजानन महाराज है उनका दर्शन करे, इसके लिए हम लोग ने टिकट्स बुक की थी, ऑनलाइन बुकिंग किया था ट्रेन का। तो वहाँ जाने का हम लोग ने सोचा था, तो वहाँ पे हम लोग जाने के लिए प्रस्थान किया 28 तारीख को। 28 तारीख को दोपहर की ट्रेन पकड़ के दूसरे दिन हम लोग 1 बजे रात को पहुँच गए। उसके बाद 29 को हम लोग ने दर्शन लिया शेगांव में, और 30 तारीख की मेरी रात की ट्रेन थी 9:30 बजे की शेगांव से बम्बई आने के लिए। इसके वो हम लोग प्लेटफॉर्म में जाने के पहले होटल के रूम पे मैंने ऐसे सोचा, मेरी जो पर्स है जिसमें 6000 से ऊपर कैश थी और क्रेडिट कार्ड था, मोबाइल था और कपड़े थे, और बापू का फ़ोटो मैं लेके गई थी जो मैंने उस बैग में रखा था। उस टाइम पे क्या था कि वर्धमान व्रत चालू था, तो वर्धमान व्रत की उपासना करने के लिए मैंने बापू का फोटो, बड़ा फोटो बैग में, मतलब मैं लेके गई थी वहाँ पे उपासना करने के लिए, तो वो मेरे बैग में था। तो ये सब चीज़, मेरी पर्स जिसमें पैसा, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल था, वो सब मैंने बैग में रख के बैग लॉक कर दी, ताकि अभी रात का समय है, हम लोग रात के समय में अगर ट्रेन में मेरे को नींद लग जाए और पर्स साइड में हो तो कोई आके अगर चुरा लेगा, तो ये सोच के मैंने मेरी मनी पर्स जो है बड़ी वाली वो मैंने मेरी बड़ी ट्रॉली बैग में रख दी, और बैग लॉक करके हम लोग ने ट्रेन 9:30 बजे पकड़ ली। पकड़ने के बाद हम लोग दूसरे दिन सुबह 6 बजे दादर स्टेशन उतरे। उतरने के बाद हम लोग टैक्सी देख रहे थे, टैक्सी वाले को बताया कि बोरिवली जाना है। टैक्सी वाला बोला ठीक है। तो मैं, मेरी लड़की तनिष्का, मेरे मिस्टर और सास ससुर, ये हम लोग शेगांव गए थे। तो मेरे मिस्टर उस टाइम नहीं आए हम लोग के साथ, खाली मैं, मेरी सास ससुर और लड़की टैक्सी में बैठ गए, और मेरे मिस्टर ने, मिस्टर को जाने का था 31st के लिए पिकनिक के लिए, तो वो परेल में एक हमारा एक घर है वहाँ पे उनको जाना था, जाके उधर से उनको कुर्ला की ट्रेन पकड़नी आसान होगी, इसके लिए वो उधर चले गए, परेल चले गए। तो वो हमारे साथ उस टाइम नहीं आए, लेकिन टैक्सी वाले ने मेरी जो बड़ी बैग है, ट्रॉली बैग, वो ऊपर रख दी कैरियर पे, और मेरे मिस्टर बोले अरे भाई जरा बांध ले वो बैग, कहीं गिर ना जाए रास्ते में। तो उसने बिल्कुल भी नहीं सुना, बोला साहब मैं 15 साल से टैक्सी चला रहा हूँ, इतने लोग, इतने कस्टमर आ गए, उनकी किसी की भी बैग मैंने कभी बांधी नहीं थी और कभी भी किसी की उड़ी नहीं, आपकी तो बैग जरा हेवी है तो वो नहीं उड़ेगी, आप टेंशन नहीं लेना, बांधने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उसने मेरी जो बड़ी ट्रॉली बैग है वो कैरियर पर रख दी, और मेरे सास ससुर की बैग छोटी थी तो उन्होंने पीछे का जो डिकी का दरवाज़ा है वो खोल के, टैक्सी सेंट्रो जैसी थी इसके लिए पीछे इतनी जगह नहीं थी, तो उनके बैग छोटे है करके बैग के ऊपर बैग ऐसे उन्होंने रख दिए,
और टैक्सी बंद करके वो टैक्सी वाले ने टैक्सी स्टार्ट की। इतनी फास्ट टैक्सी उसने चलाई कि हम लोग दादर से बोरीवली 25 मिनट में आ गए। हम लोगों को कहीं पे सिग्नल नहीं लगा, कहीं पे हम लोगों को ट्रैफिक नहीं लगी। हम लोग घर पे 25 मिनट में बोरीवली में हम मेरे बिल्डिंग के नीचे आ गए। नीचे आने के बाद हम लोग उतर गए टैक्सी से। उतरने के बाद मैंने ऊपर देखा तो कैरियर पे मेरी बैग नहीं थी। तो मैंने टैक्सी वाले को बोला, अरे भाई मेरी बैग किधर है? तो आपने बांधी नहीं थी क्या? तो उसने बोला, हाँ नहीं बांधी थी मैडम, लेकिन पता नहीं कैसी उड़ गई आपकी बैग। और हम लोग मैंने बोला, नहीं मेरे को तो बहुत गुस्सा आया। तो मैंने उसको बोला, नहीं नहीं बाबा, मेरे को तो मेरी बैग चाहिए, उसमें मेरी कैश, क्रेडिट कार्ड, मेरा मोबाइल सब कुछ है, मेरे को कुछ भी करके बैग चाहिए, मुझे कुछ पता नहीं। तो वो बोला, ठीक है मैडम, आप एक काम करना, मैं आपके ससुर जी को बांद्रा तक लेके जाता हूँ और मैं खोजता हूँ कहीं पे रास्ते में मिलती है क्या बैग, तो मैं खोजता हूँ आपके ससुर को लेके जाके। तो मैंने बोला ठीक है। तो वो मेरे ससुर को लेके गया टैक्सी से और मैं और मेरी सास और मेरी लड़की घर पे आ गए। ऊपर आने के बाद मैंने बापू के फोटो के सामने प्रेयर की, बापू प्लीज़ मेरे को मेरी बैग मिलने दो, कुछ भी करके मिलने दो, ऐसे मैंने बोला। और मैंने मेरे रूटीन जो सुबह के काम है वो करना स्टार्ट किया। मेरे को विश्वास था कि बापू है तो मेरे को मेरी बैग मिलेगी, तो मैं मेरा रूटीन काम चालू कर दिया। उतने में मेरी सास को तो बहुत टेंशन आया था, वो तो पूरे सिर पे हाथ रख के बैठी थी कि इतना सब अच्छा हुआ, दर्शन वर्ष हो गया, अच्छी ट्रिप हुई और ये क्या, लास्ट मोमेंट में इसकी बैग ही घूम गई। तो मेरी सास मेरे को पूछने लगी, अरे भाई तुमको तो कुछ भी टेंशन नहीं, तुम तो बिंदास आके सुबह का जो रूटीन काम है वो तुमने स्टार्ट कर लिया। तो मैंने बोला, माँ जी उसमें मेरे बापू का फोटो है, तो मेरे बापू का फोटो है तो कहीं पे भी बैग जाने दो, मुंबई में अगर घूम गई या फिर कहीं पे भी जग में कहीं पे भी घूमी बैग, लेकिन बापू है उस बैग में, तो मेरे को वो जो बैग है मेरी वो कहीं से भी मिल ही जाएगी। एक आखिर बापू बोलते ही है, एक विश्वास सवा पूर्ता करता हरता गुरु ऐसा। तो मुझे तो पूरा मतलब विश्वास था ही बापू पे कि अपने को बैग तो मिलेगी। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मेरे ससुर को लेके वो टैक्सी वाला आ गया, उसको कहीं पे भी मेरी बैग मिली नहीं। वो बोले, मैडम नहीं मिली आपकी बैग। तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ मेरे को तो अभी पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी अगर बैग किसी को मिली होगी कि कहीं पे अगर वो पुलिस स्टेशन में देगा वो आदमी, तो मतलब मालूम होना चाहिए ना किसकी बैग है। तो मुझे प्लीज़ आपका जो लाइसेंस नंबर है, गाड़ी का नंबर है, नाम, आपका मोबाइल नंबर, सब आपका जो है वो सब मुझे दे दीजिए, ताकि मैं मतलब मैं पुलिस स्टेशन में आपका ये मेरी बैग के लिए कंप्लेंट कर सकूँ। तो उसने मेरे को उसका लाइसेंस नंबर, मोबाइल नंबर सब कुछ दे दिया, उसका नाम वगैरह सब कुछ दे दिया। और हम लोग मैंने वो सब ले लिया, एक डायरी में नोट कर लिया सब, उसका लाइसेंस नंबर, गाड़ी का नंबर, उसका नाम, मोबाइल नंबर, और मैं ऊपर आई। ऊपर आने के बाद बापू ने ही मेरे को मतलब एक आइडिया दी, मन में एक आइडिया दी कि अरे भाई एक तू काम करना, तेरा मोबाइल जो वो घूम गई बैग उसमें है तो एक कॉल तो कर, शायद सामने वाले ने उठाया तो उठाया तो अच्छा है। तो ऐसे बापू ने मेरे को बुद्धि देने के बाद मैंने तुरंत सास का मोबाइल लिया और मेरे मोबाइल पे कॉल किया। मोबाइल पे रिंग जा रही थी, रिंग जाने के बाद सामने वाले आदमी ने उठाया मोबाइल, बोला हेलो। तो मैंने बोला, हेलो आपको मेरी बैग मिली है क्या? तो बोला, हाँ मैडम जी आपकी बैग मिली है, आ जाइए आप ले जाइए आपकी बैग यहाँ पे आके। तो मैंने बोला, कहाँ पे हो आप, आपका एड्रेस क्या है? तो वो बोला, भाईंदर उटन। तो मैंने बोला, आपका एड्रेस दे दीजिए और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दीजिए तो हम लोग आके लेके जाएंगे। तो वो बोला, ठीक है। तो उसने उसका एड्रेस दे दिया और मोबाइल नंबर भी दे दिया। फिर मैंने फ़ोन रख दिया और बापू को अंबद्य बोला, बापू अंबद्य, आपकी वजह से आज मेरे को मेरी बैग मिल गई। और तुरंत मिस्टर को कॉल किया जो परेल में थे,
तो उनको मैंने कॉल किया और बोला आप जल्दी आइए और मेरी बैग मिल गई है तो अब आप आ जाइए और ससुर को साथ में लेके जाना उधर भाईंदर उपटन में, क्योंकि आजकल हम लोग देखते बैग लेने के लिए आ जाओ बोलने वाले लोग, मतलब क्या करेंगे क्या नहीं अपने को ही नहीं पता रहता है कि इस कारण कि अपने को बोलेंगे हाँ बैग मिल गई आ जाओ और कुछ और हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने मिस्टर को बोला कि आप आइए ससुर को लेके जाइए। मिस्टर फिर बोरीवली आए मेरे ससुर को लेके, हमारी गाड़ी जो है गाड़ी से फोर व्हीलर से गए ढूंढते ढूंढते बैग बैग ढूंढने के लिए रास्ता, मतलब वो जो एड्रेस है वो ढूंढते ढूंढते जा रहे थे। तो भाईंदर उट्टन जाने के बाद उन्होंने वो आदमी को कॉल कर करके एक जगह पे, मतलब वो आदमी ने बताया ये एड्रेस पे आ जाइए, वहाँ पे वो पहुँच गए तो एक आदमी वहाँ पे खड़ा था, बोले हाँ इधर ही आपकी गाड़ी साइड में लगाओ और मेरे साथ आइए। तो ये थोड़े डर गए क्योंकि वहाँ का जो एरिया था वहाँ पे साइड में सब झोपड़ पट्टी सब है, तो ये डर गए अरे बाप रे ये आदमी कहाँ लेके जा रहा है अपने को, अगर बैग देनी है तो तभी दे देनी थी ना, ये आप वापस मतलब गाड़ी से उतार के वापस कहाँ लेके जा रहा है। तो फिर ये दोनों मतलब मेरे मिस्टर बापू का नाम मन में लेते हुए, बापू आप ही देखिए कहाँ लेके जा रहा है ये आदमी, पता नहीं आप ही देखिए हम लोगों का रक्षण करना। और वैसे ही मेरे सास और मिस्टर उसके पीछे पीछे जाने लगे, वो हर एक गली से लेके जा रहा था इधर उधर से, ये लोग बहुत डरे हुए थे क्या होने वाला है पता नहीं। फिर एक जगह पे लेके गए, एक जगह पे लेके जाने के बाद वहाँ पे बोला अच्छा इधर ही ठहरो, वो फिर मेरे ससुर और मिस्टर वहाँ पे ही ठहरे। तो अचानक से चार पांच आदमी साइड से आके उनके बाजू में खड़े हो गए, तो ये और डर गए क्योंकि बैग तो दिख नहीं रही है और ये आदमी लोग आके खड़े हो गए क्या होने वाला है पता नहीं। इतने डर गए कि बापू को मन ही मन बोलने लगे बापू देखो आप ही क्या होने वाला है पता नहीं, ये बैग देनी है तो तुरंत दे ना, चार पांच आदमी लोग क्यों साइड से खड़े हो गए। तो उतने में एक आदमी बोला कौन से रंग की बैग थी आपकी और क्या क्या चीज़ थी आपकी बैग में। तो मेरे मिस्टर बोले कि हरे रंग की थी, उसमें क्रेडिट कार्ड था और मोबाइल है, कैश है 6,000 के ऊपर और कपड़े वगैरह है। तो वो जो चार पांच लोग थे उन लोग ने मेरी चीज़ें पहले ही बांट ली थी, एक के पास क्रेडिट कार्ड था, एक के पास कैश थी, एक के पास कपड़ों की बैग थी, एक के पास मेरा मोबाइल था। तो हर एक जन एक एक करके आके इनके हाथ में थमा रहे थे, ये आपका मतलब मोबाइल, ये कैश, ये आपके कपड़े की बैग, ये वो सब पूरा बैग वगैरह सब दे दी। फिर मेरे मिस्टर को वो ही आदमी पूछता है अंदर किसका फ़ोटो है, तो मेरे मिस्टर बोले कि वो हमारे सदगुरु का फ़ोटो है। और इसी तरह मेरी बैग मेरे को पूरी मतलब कुछ भी मेरा गया नहीं उसमें से, 6,000 के ऊपर भी छुट्टे पैसे भी थे वो भी मिल गए मेरे को, एक रुपया भी मेरा इधर का उधर गया नहीं, ना कोई सामान गया मेरा, हर एक चीज़ बापू की कृपा से मेरे को मिल गई। लेकिन अगर हम लोग सोचने जाए तो एक चीज़ है कि वो लोग ने ऐसे सोचा तो था, मतलब अगर उनको मेरी बैग देनी थी तो वो लोग पूरी मेरी बैग जैसे थी वैसे के वैसे थमा देते, क्यों वो लोग मेरे मिस्टर आने के पहले उन लोग में ही चीज़ें बांट ली थी, मतलब उन लोगों को मेरे को देने चीज़ें देने का इरादा ही नहीं था। लेकिन बापू ने उधर क्या किया वो खाली बापू को ही पता, मतलब बापू ने उधर क्या उनको मतलब सद्बुद्धि दी, जो बुद्धि दी वो बापू ने दी, इसलिए तो वो बैग मेरी पूरे सामान के साथ मिल गई। आज बम्बई जैसे शहर में अगर कोई जितनी सी छाता घूम जाता है या पेन घूम जाता है तो वो चीज़ नहीं मिलती अपने को, और ये इतनी बड़ी जो मेरी बैग है जिसमें कैश मोबाइल क्रेडिट कार्ड कपड़े बापू का फ़ोटो था तो वो सब मिल गई, वो सब बापू की कृपा। इसके लिए मतलब मैं हमेशा कहना चाहती हूँ सभी श्रद्धावान से कि आप लोग बापू का जो फ़ोटो है वो पर्स में या बैग में कैरी कीजिए। मतलब देखिए आज बापू का फ़ोटो था तो बापू ने वहाँ पे कुछ तो किया, इसके लिए मेरे को मेरा सभी सामान मिल गया।
मी अंबज्ञ आहे. हरिओम श्रीराम अंबज्ञ.